6 का आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट देते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूट भाषा में जेल को, जे ए आई एल, जेल को 9081 लिखा जाता है, प्रिजन, पी आर आई एस ओ एन के लिए कोड क्या है? देखिए, जे ए आई एल 9081, पी आर आई एस ओ एन, इसके लिए क्या होगा बताए? प्रिजन के लिए बताए। रेलवे ग्रुप डी, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में लगभग ये 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1 बार नहीं 4 से 5 बार। रेलवे एग्जाम में क्या होते हैं, प्रश्न रिपीट भी करते हैं, प्रश्न कई बार रिपीट भी करते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए समझाते हैं, समझे? देखिए यहां पे अक्षर है, यहां पे संख्या है, अक्षर को संख्या में कन्वर्ट किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या है? जे ए आई एल बराबर क्या लिखा है इसको, 9081 लिखा है। जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, ए 1 पे, आई 9 पे और एल 12 पे, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग देखिए, ये 10 1 9 12 है, ये 9 0 8 1 है, कैसे लिखा है बताते हैं, समझाते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है सभी लोग, ठीक है? देखिए 10 को 9 लिखा है, यानी क्या किया है, क्या है ध्यान दीजिएगा, 10 में से क्या किया, 1 कम कर लिया, 1 को 0 लिखा है, यहां पे भी -1 किया, ये चीज क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए एक घटाना है, 10 में से घटाए 9, 1 में से घटाए 0, यहां तक तो समझ में आ रहा है? 9 को क्या लिखा, 8 लिखा, यानी -1, 12 को क्या लिखा, 1 लिखा, 12 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 11, और 11 का क्या लिखा है, इकाई अंक, 11 का क्या लिखा है, इकाई अंक, दाहिने से पहला यूनिट डिजिट, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक, ठीक है? अब देखिए 11 का क्या लिखा है, 1, ये 12 है, 12 में से घटाएंगे 11, 11 का क्या लिखा है, 1 लिखा, यानी कि इकाई अंक। चलिए यहां पे प्रिजन है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, पी आर आई एस ओ एन, पी कितने पे आता है, 16 पे, आर आता है 18 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, इसमें से जब आप 1 कम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 16 में से 1 कम करेंगे 15, 15 का इकाई अंक क्या होगा, 5, 15 का इकाई अंक मतलब 5, ध्यान दीजिएगा, एक ही अंक में लिखना है और वो भी इकाई अंक, 18 में से 1 कम करेंगे 17, 17 का इकाई अंक क्या होगा, 7, 9 में से 1 जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 8, 19 में से क्या करेंगे, इसमें भी ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 19 में ध्यान दीजिए, यहां पे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, 19 में भी क्या करेंगे, 1 कम करेंगे 18, 18 का क्या होगा, 8, ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद से 15, 15 में से 1 जाए 14, 14 का 4, फिर उसके बाद से 14, 14 में से 1 जाए 13, 13 का 3, ये आया क्या, 578843, 578843 किस ऑप्शन में है, 57, हाँ 57, यहां पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, ये 59883 है, ये 9 नहीं, यहां पे 7 है, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड।